मंसूर साहब, कर्जा माफ़ी नूं लै के तुसीं संघर्ष शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, पर बीते दिन ही साडा प्रोग्राम चल रहा सी तां उस दौरान एक कॉलर की कॉल आ गई। इसे दे ते तुहाडी खबर की चर्चा कर रहे सी कि कर्जा माफ़ होना चाहिए। वो कहिंदे जी जिहड़े जिमीदारां दे कोल किसानां दे कोल लोक कम करते हैं, सीरी कम करते हैं, उन्होंने भी किसानां तों कर्जा लिया हुंदा जां किसी भी तरह का उन्होंने जिहड़ा बोझ हुंदा कि किसान जे सरकार करदी है तां किसान उन्हां दा कर्जा भी माफ़ करनगे। जे बड़ियां कंपनियां नूं सरकार करोड़ां रुपया कट सकती है, फिर की जिहड़े मेहनत कश लोग ने उन्हां वास्ते सरकार क्यों ना सोचे, चाहे वह सेंटर की होवे चाहे वह पंजाब की होवे। कर्जा एक खेती वास्ते लिया जाता है कि खेती नूं होर उन्नत करन वास्ते, बीजां वास्ते, स्प्रेयां वास्ते, रेहां वास्ते, पर कई बार कर्जा व्याह शादियां ते भी खर्च हो जाता है। असी अक्सर यही कहने कि जिहड़ा पैलेस कल्चर चल पिया है, देखा देखी वाली दौड़ चल पी है, वह भी तो कर्जे का कई बार हिस्सा बन जाता है जी। असी तो कोई कहने नहीं, तो जिंसा का रेट महंगाई के हिसाब न जोड़दन, मजदूर की दिहाड़ी जोड़दन, मुलाजम की तनखा जोड़दन, साढ़े कर्जा चढ़नेगी। पंजाब दे कोल जिहड़ा जमीनी पानी आ, जिहड़ा धरती वाला पानी, वह 17 साल का ही बचा है, तो 15 लाख के करीब जिहड़े ट्यूबवैल ने वह पानी कढ रहे ने बाहर। कि तुसीं यह भी मंग रखते हो कि फसली चक्कर नूं जिहड़ा होर अगे विभिन्नता दे वल वधिया जाए, फसली चक्कर चो निकलिया जाए तां जो पानी बचाया जा सके। किसाना गुरु रुद्र सिंह मानसा साडे नाल जुड़ गए ने। मानसा साहब स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किहो जी तुहाडी तबीयत, किथे मौजूद हो? मैं कल तो असी भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाया जी। जी एक साडा पिंड है सहारना पिंड, उत्ते कर्जा मुक्ति दी कॉन्फ्रेंस चली, ऐलान करे जी कि सरकार कर्जा माफ करे। अज मोगे मीटिंग है, मीटिंग ते जा रहे हैं जी। मैं तुरन आया जी। मंसूर साहब, कर्जा माफ़ी नूं लै के तुसीं संघर्ष शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, पर बीते दिन ही साडा प्रोग्राम चल रहा सी तां उस दौरान एक कॉलर की कॉल आ गई। इसे दे ते तुहाडी खबर की चर्चा कर रहे सी कि कर्जा माफ़ होना चाहिए। वो कहिंदे जी जिहड़े जिमीदारां दे कोल किसानां दे कोल लोक कम करते आ, सीरी कम करते आ, उन्होंने भी किसानां तों कर्जा लिया हुंदा जां किसी भी तरह का उन्हां ते जिहड़ा बोझ हुंदा कि किसान जे सरकार करदी है तां किसान उन्हां दा कर्जा भी माफ़ करनगे। आहो कर्जा यह होंगेगा जिहड़ा, मेरा ख्याल है भी 92% किसान जे कोई नौकर सीरी रखता है, साझी रखता है, वह भी आर्थिक तो जां वक्त तो कर्जा लेके उन्हूं कर्जा दिंदा जी। ठीक है ना गल, जे उन्हां साडा कर्जा माफ होजू कोई गल नहीं। असीं उन्हां बारे मैं आपकी मंग दे विच पाया किसानां दा, मजदूरां दा, छोटे दुकानदारां दा, छोटे मुलाजमां दा, असीं इह चारे वर्ग विच लए नेगे। असीं तां कहिंदे ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੇਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1967 ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਸਾ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਜਣ ਤੇ ਬੋਰ ਚੱਲਦਾ 3 ਇੰਚੀ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਲੀ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਘੈਂਟ ਢੋਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਣਕ ਵੇਚੀਏ 2000 ਨੂੰ ਵਿਕ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ 2 ਢੋਲੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਦੀ ਢੋਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, 70 ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਢੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋੜਦਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜਦਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪੋਤਾ ਵਿਆਹਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਕਿਸਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 65 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 65। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਦੀ ਚਾਹ ਚੂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ,
जी ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਤੀ ਵਿਆਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। अच्छा मानसा साहब एक रिपोर्ट आई है पिछे जे कौमांतरी पद्धर दे उत्ते जल दिवस मना के हटे हैं उहदे विच कहा गया है कि पंजाब दे कोल जिहड़ा जमीनी पानी आ जिहड़ा धरती वाला पानी उह 17 सालां दा ही बचा है तो 15 लाख के करीब जिहड़े ट्यूबवैल ने उह पानी कढ रहे ने बाहर कि तुसी इह वी मंग रखदे हो कि फसली चक्कर नूं जिहड़ा होर अगे विभिन्नता दे वल वधिया जावे फसली चक्कर चों निकलिया जावे तां जो पानी बचाया जा सके। मैं दो गल्लां कर रही थोड़ी, एक तो पानी की बचत, एक तो सरकार प्रबंध करी जिहड़े मीहां दा पानी है किसी सांझे थावां ते बोर ला के थल्ले भेजे जी, एक जिथे साडियां नालां ने गियां मोगा कहिंदे असीं उत्थे सरकार बोर करी तो 100 च पानी वाधू हो जांदा है, उह ना तां फसल खराब करदा है उहनूं बोर च पाया जावे पानी। कई प्रबंधा नाल पानी दी इस तरीके नाल बचत हो सकदी है। बाहरले मुल्कां ने सारे पानी धरती दासदे ने मीहां कोठियां दा की, साडे लोकां नूं थोड़ा जिहा इस गल दा ज्ञान घट हैगा। झोना मतलब फायदा वध दे जांदा गा, समझ गए गल, जां तां सरकार कुछ ना कुछ सानू देवे भी आ बाहर तुसीं वेला रख लो जी इन्ना कुछ नूं असीं मुआवजा मुआवजा दे दिंदे फिर तां बंब पऊ जूगा इधर नूं। एक मैं होर थोड़े गल करनी चाहता, जिथे मोगे लगे ने मोटर उथे लगन, मेरी गल सुन लो, जे मोटर किसान ने आपके खेत च रखनी है तो बिल दे जी, मेरी गल समझ गए जी, जिन एक एक मोटर फ्री ला दें हर एक किसान जिम्मे 7 रोजी बारी चलती है पानी मिले वो 24 घंटे चलन है वह पानी फ्री हो जे किसी ने आपके खेत च दो लवो या दो ला लो भाई पैसे देने पड़ेंगे मुफ्त क्यों लवाएगा जी। इस करके बचत तो हो सकती है जी। अगली मैं जी साडे पानी की बंड है हरियाणा ते पंजाब नाल जी, जिन्नी धरती हरियाणा दी उहनूं मिल जाण कितनियां, जिवें असीं 7 रोजी बारी साडी पंडी दी है, जिवें फिर पंजाब कोल धरती किन्नी है जी, किन्ने किसों साडे कोल पानी है लड़ाई करन दी की लोड़ है। हाँ साडा अद्धा पंजाब दरिया नाल मरदा है, उहनां नूं दुगुणा पानी देना पऊगा, तुहाडे सामने जदों वड्डे हड़ आ जाण अद्धा पंजाब टुट जांदा है जी, उहनूं उहनां नूं दुगुणा दे के दूजा पानी साडा धरती ते बंड नाल। दिल्ली का जी की हक है पानी का, पानी हैगा हरियाणे का ते पंजाब का, दिल्ली ने पानी लिया असं मुल देवे जी, हम हरियाणा राजस्थान सब तो पानी नहीं लिया पत्थर मुल लिया, एक पैसे लीटर जो सब राजस्थान पैसे ले 17 लाख करोड़ रुपया पंजाब का बनता है जी जी। मानसा साहब योगिंदर यादव ने खदशा जाहिर किया है, कहते जी खेती कानून अंदर खाते सरकार मुड़ लागू कर सकती है। देखो जी सरकार बहुत कुछ लागू करूगी कोई गल नहीं, अभी तैयारी च बैठे हैं, वो करे लागू, सरकार लागू कर तो असी विरोध करांगे, साडी तैयारी है। अच्छा राजेवाल साहब दे नाल तुहाडी दुबारा कोई गलबात हुई होवे इलैक्शन तो बाद दे विच, राजेवाल साहब नूं कहिंदे जी संयुक्त किसान मोर्चे चो बाहर करता है, कोई किसी बाहर नहीं कर सकता ठीक है ना, अगर राज्य मेरिया 3-4 मीटिंगा हुई है, साडा सियाणा नेता है वो जिन्हें अंदोलन च बहुत समझदारी नाल उन्होंने मतलब हम जो कहते हैं वोटा से खड़े हो गए, वोटा तो सानू लोगों ने फैसला देता सजा देती कि तुम हजे विधानसभा च ना जाओ हजे तुम मैदान च रहो, वो तो लोगों ने फैसला करता, वो कौन ने राज्य को बाहर करने वाले करने वाले, कोई किसी की ताकत नहीं राज्य को बाहर कर जी जी। मेहरबानी मानसा साहब, सत श्री अकाल जी। TV5 चैनल पंजाबी पूरे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद के हर मसले पर करांगे चर्चा, देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद का।